मैंने जहां जहां हर्डल्स थे, कांटे थे, खड्डे थे, वो मैंने सोनू जी को बता दिया था। जब जैसे आदमी ऑफिस जाता है तो ऑफिस जाता ही रहता है, हर महीने आते ही सैलरी आती रहती है, इसी तरीके से हम शो करते रहते थे। इश्क न करना, इश्क न करना, इश्क न करना, इश्क न करना, हम कल से मोहब्बत का नाम नहीं लेंगे, तरस ना छोड़ दे, तड़प ना छोड़ दे, बहक ना छोड़ दे, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। हेलो, आई एम अगम कुमार निगम एंड वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी में कभी भी किसी ने भी अपनी लाइफ में एक बेवफाई वाली फीलिंग ना पाई, और अगर वो फीलिंग पाई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने अगम कुमार जी के गाने ना सुने हों। बेवफाई को इन्होंने इतना हाईलाइट किया है, उसकी पहचान बनाई है। मेरे साथ है अगम कुमार जी, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। सर, ये बेवफाई से नाता क्या है आपका? नहीं, एक्चुअली वो जो एल्बम था वो इतना खास बन गया। एक्चुअली जो मेरा USP है ना, जो मतलब जो बचपन से जब मैं गाता हूँ, तो गाता तो सब किस्म के गाने हो, मगर क्या है कि जो मेरा स्पेशलिटी है वो दर्द है। तो शुरू से रफ़ी साहब की जब गाता हूँ तो ज़्यादातर मैं दर्द भरे नगमे में गाता हूँ। तो जब भूषण कुमार ने सुना मुझे, मेरे अमेरिका में वीडियोस थे, मतलब जो शोज़ के वीडियो देखे, तो उसने ये सोचा कि ये बेवफाई के लिए अगम कुमार ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। तो पहले एक एल्बम के लिए किया था, तो फिर वो एल्बम इतनी हो गई ज़्यादा कि फिर 6 एल्बम उन्होंने कंटिन्यूसली करी उसी की सीरीज में। उसी सीरीज तो ये तो अभी आप लोग सुनते हैं कि अभी सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 आता है, लेकिन सीजन 6 अगम जी पहले ही कर चुके हैं। ओके, लेकिन ये बात सच है कि टूटे दिल को ना एक सहारा चाहिए होता है, और उसको आप जब वो सुना देते हैं तो वो जो उसका दर्द बहल जाता है, और दर्द बहल जाने के बाद जब वो आपको फीडबैक देखता है तो कैसे लगता है? खुशी होती है कि लोगों को दर्द देख के लोग खुश होते हैं। ये जो गीत संगीत है, ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि गाने वाला भी खुश होता है, सुनने वाला भी खुश होता है, लेकिन गाने वाले के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। वो जो आपकी मेहनत है वो कब से शुरू हुई और कैसे हुई? वो बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने सिर्फ गाना ही गाया है, और वैसे भी कोई मैंने सर्विस बिजनेस नहीं किया है, मैं शुरू से मेरा प्रोफेशन ही है। और अगम जी, ये है कि आज तो फिर भी ज़माना ऐसा आ गया है जबकि अब नए नए गायकों को चांस मिलने लगा है, नंबर्स ऑफ सिंगर्स आने लगे हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्मों में, लेकिन आपने जिस ज़माने में शुरुआत की थी उस समय बहुत मुश्किल होता था अपनी जगह को बनाना, क्योंकि वो चुनिंदा लोग थे वहाँ, मतलब इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। आज आपके माध्यम से मैं एक बात बोलता हूँ जी, जो शायद ही किसी ने बोली और शायद कोई बोलेगा भी नहीं, कि लोग बोलते हैं कि उस ज़माने में मोनोपोली थी कि रफ़ी साहब, लता जी, मतलब फीमेल लता जी को या आशा जी को बोलते थे, मेल रफ़ी साहब या मुकेश जी या किशोर कुमार जी, कि हम इनकी ऐसा है कि हमको चांस नहीं मिलता, ये सब मोनोपोली है, ये है वो है। लेकिन मैं एक बात ईमानदारी से बोलूँगा कि वो बहुत ऊंचे कलाकार थे। क्या बात, हम उनसे कम थे। तो जब हम कम थे तो अगर उनको हमसे अच्छा अवेलेबल है तो वो हमें क्यों लेंगे? लेकिन तब भी, और क्योंकि तब फिल्में कम बनती थी, राइट, और इतना काम था नहीं, तो जितना भी काम था उसको वो समेट लेते थे, राइट। लेकिन तब भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है अगम जी, और इस बात के लिए मैं रियली बहुत पर्सनली अप्रिशिएट करूँगा आपको। उसके बावजूद भी आपने और कोई काम नहीं किया, आपने एज ए गायक ही
पूरा सर्वाइव किया, करियर बनाया, प्लान किया और आप गाते रहे, लाइव शोज करते रहे, ये सब जो हिम्मत आई ये कैसे आई? बेसिकली मैं फरीदाबाद से हूँ, तो फरीदाबाद से मैं फिर बॉम्बे आया था, मतलब ट्वेल्थ करके। तो बॉम्बे आके फिर मैंने पहले से सोचा था कि मैं म्यूजिक गा के कमाऊँगा, तो दिल्ली में तो कोई था नहीं ऐसा कुछ भी, तो फिर बॉम्बे उन दिनों दिल्ली में इतना नहीं था, बॉम्बे में था, तो मैं बॉम्बे आ गया। फिर यहाँ ऑर्केस्ट्रा में मैं ऑर्केस्ट्रा सिंगर, मतलब कहना नहीं चाहिए मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस था। नहीं नहीं आप थे फेमस, मतलब ये सभी जानते हैं। तो वो जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे सवाल, कि नॉर्मली क्या होता है ना कि घर हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, दोस्तों को यही पूछते हैं यार क्या कर रहे हो, तो जब लाइव शोज में आप करते हैं तो वो चाहते हैं कि आप और टॉप पे जाओ और आप लाइव शोज में टिके हुए हो, तो वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, तो उसको आप कैसे डील करते थे? वो तो वॉइस, मतलब लोग रियाज भी करते हैं, सब सुनते हैं, अच्छे लोगों को सुनते हैं, तो ऐसा नहीं, अगर आपके पास आवाज़ है तो आप टिके ही रहेंगे, और आप गलत काम करने लगेंगे, गलत संगत में पड़ जाएंगे, तो ना आवाज़ रहेगी ना आपका टिकाव रहेगा। ये लेकिन लाइव शोज में गाना आसान तो नहीं होता? नहीं वो तो, लेकिन सब गाते ही हैं सब, हमारे साथ अनवर मेरे साथ था और बहुत सारे, तो मैं उस बैच का हूँ जब, मतलब कई लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, कई लोग अभी, मतलब जैसे अभी अनूप जलोटा जी हैं, अभी अनूप जलोटा और मेरी मुलाकात 1971 में अफ्रीका में हुई थी, ईस्ट अफ्रीका में, शोज के दौरान, शोज के दौरान। तो क्या, तो जब वो आप एक अनुभव ले रहे थे, एक्सपीरियंस ले रहे थे, लाइव शोज कर रहे थे, तब करियर जो ग्राफ पे चल रहा था, क्या आपको लगता था हाँ ये सही जा रहा है या इसके ऊपर? हाँ सही 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 जा रहा है, सही जा रहा है। हाँ मतलब जब जैसे आदमी ऑफिस जाता है तो ऑफिस जाता ही रहता है, हर महीने आते ही सैलरी आती रहती है, इसी तरीके से हम शो करते रहते थे और अपना व्यवहार अच्छा रखते थे, अपनी नीयत अच्छी रखते थे और एक जिसको कहते हैं कैरेक्टर अच्छा रखते थे, तो सबसे अच्छा था हमारा सब, जैसे ऑफिस में लोग काम करते हैं, हम ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे, तो आपके आपके पास भी जाते थे, उनके पास भी जाते थे, उनके पास भी जाते थे, सबके पास जाते थे, फ्रीलांसर था मैं किसी पार्टी से वो नहीं था। तो आप ज़्यादातर रफ़ी साहब के ही गाने गाते थे? ज़्यादातर रफ़ी साहब के गाता था, लेकिन क्या कि जैसा जैसा माहौल, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में गाना पड़ता था, तो अजीज नाजा का है तो अजीज नाजा का भी गाऊँगा, तो मतलब क्या पब्लिक डिमांड के जो जो चल रहा है वो गाएंगे, बाकी अपना ये एक है, ये तो है ही, उसको छोड़ के जो अलग से करना है कमाने के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए, तो वो कर लेते हैं। पर मोहम्मद रफ़ी साहब की तरफ ही आप आकर्षित क्यों? हाँ क्योंकि वो मतलब बचपन से ही था, रफ़ी साहब और मुकेश जी, मैं मतलब इनको ही सुन के होता था इंस्पायर, इंस्पिरेशन किसी का कुछ कोई होता है, किसी का कोई होता है, तो मुझे ये था, इन दोनों का खास तौर से था। ओके, जब आपका अपना खुद का एल्बम आया और आपने खुद के गाने भी शुरू कर दिए, अब लाइव शोज में आप अपने भी गाने गाते हैं, तो अब जो रिस्पॉन्स मिलता है पब्लिक का, कितना फ़र्क आ गया है? मुझे पहले भी अप्लॉज अच्छा मिलता था, आज भी मिलता है, और ये खुशी है कि इस मुकाम पे भी, उम्र के इस मुकाम पे भी, कैरियर के इस मुकाम पे भी मुझे उतना ही रिस्पांस मिलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, तो इस मुकाम पे भी इतना ही रिस्पांस मिलता है, इसके पीछे की तैयारी कितनी तगड़ी है? तैयारी तो होती रहती है, तैयारी करना पड़ता है, एक पहलवान अगर वर्जिश भी करता है, अब जो एक म्यूजिशियन है वो रियाज करता रहता है, तो वो तो अपनी लाइन में, अपने अपनी फील्ड में हर आदमी करता ही रहता है। ओके, साइंटिस्ट है तो रिसर्च करेगा। अगम जी, लाइव शोज के अलावा आप कंसर्ट अलग अलग भी कर रहे हैं और अभी अभी आप फाउंडेशन से भी जुड़े हैं जिसके अलग अलग कॉन्सर्ट्स होने, लता जी का हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। वीरेंद्र जी, मैं आज से कोई 3-4 साल पहले वीरेंद्र शंकर से जुड़ा, किसी कॉमन फ्रेंड ने हमारी मुलाकात कराई, पहली नज़र में दोनों को प्यार हो गया। क्या बात है। वो मतलब एक दूसरे की तरफ ऐसा खिंचाव हो गया कि उनको मेरा गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और जो मेरी असलियत थी वो सबसे पहले बॉम्बे में इन्होंने पहचानी, मतलब इन दोनों आफ्टर मतलब स्टारडम ऑफ सोनू निगम। तो ये कहते हैं यार ये आप बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो फिर हम लोगों की मुलाकातें होती रही, फिर हमने एक ऑनलाइन शोज भी किए कोरोना के टाइम पे। ओके, हाँ तब वो किए थे हमने। तो अभी इन्होंने अपना श्री गौरी शंकर फाउंडेशन जो है वो इन्होंने बनाया, तो फिर हमने आज से 1-1.5 साल पहले हम सोच रहे थे कोई शो करने की, तब रफ़ी साहब का कर रहे थे, तो वो तब तक कोरोना आ गया, मैंने सूट सिलवा लिया था तो वो सूट भी बेकार तो कोरोना आ गया। तो फिर अभी जब लता जी का हुआ एक मतलब बहुत दुखद जो हादसा हुआ, तो तब हमने सोचा कि अभी कोरोना भी थोड़ा कमी हो गया था, तो हमने कहा क्यों ना हम लोग करें, तो फिर लता जी के ऐसे किया हमने किया, और बहुत ही कामयाब शो था, बहुत लोगों ने पसंद किया, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन और ओवरफ्लो था।
ओवर क्राउडेड, मतलब हॉल का सीट ही नहीं थी कोई भी। लता जी आज तो नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा रहेगी, और आपने एक खास तरीके से उनको ट्रिब्यूट दिया, वो क्या था? बचपन से ही जब मैं बहुत छोटा था तब मैं लता जी के गाने गाते, जब आवाज़ पतली होती है तो आदमी वही गाता है ना, तो मैं लता जी का बहुत वो था, मतलब मुरीद था। तो उनके गाने थे मंडोले तेरा मेरा तंडोले, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना, तो इस टाइप के मैं गाने गाता रहता था लता जी के। तो जब ऐसा मौका आया तो फिर थोड़ा सा मेरा ये है कि मतलब मैं कॉपी कर लेता हूँ किसी की भी, तो लता जी का भी किया थोड़ा, तो वो बड़ा लोगों ने पसंद किया काम है वो। अगम जी आजकल जिस तरह से म्यूजिक आ रहा है जिसमें मेलोडी थोड़ी सी घटती जा रही है, शब्द भी घटते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं, रिपीटेशन आने लग गया है, ऐसे में इस फाउंडेशन से हम क्या नया देने वाले हैं? देखिए जहाँ आजकल हर जगह एक शोर शराबा, मतलब इस टाइप का म्यूज़िक आ रहा है कि आपने सुना भूल गए, कुछ पता ही नहीं कौन गा रहा है कौन क्या हो रहा है, तो इसलिए ये जो पंडित गौरी शंकर फाउंडेशन में जो वीरन जी और उनके जो फैमिली जो है के ब्रदर्स वगैरह जो है सब जो कर रहे हैं लोग, तो वो ज़्यादातर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं और उसी पे जो राग बेस्ड गाने हैं तो, और जो सिखाते हैं वो भी ऐसा सिखाते हैं कि वो क्लासिकल भी गा सकें और लाइट भी गा सकें, लेकिन ये नहीं कि खाली वो मतलब शोर शराबा वो जैज म्यूज़िक है और ये है डिस्को है फलाना दिखाना, वो नहीं है। तो इन लोगों में मतलब इनके फाउंडेशन का ये खास बात है, तो जो भी यहाँ से निकलता है वो बड़ा परिपक्व होके और अच्छा निकलता है एकदम स्ट्रॉन्ग, एक सच्चा गायक बनता है, सच्चा गायक बनता है। तो अभी कौन कौन से आपके एल्बम्स या सॉन्ग्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? नहीं अभी फिलहाल तो कोई एक तो सिंगल की चल रहा है बातचीत, अभी अभी आए भी थे पीछे सिंगल मेरे, तो अभी पीछे कोरोना वगैरह हो गया था तो उसकी वजह से सब कुछ ठंडा हो गया था, हम भी हो गए थे, तो अब जब अब चलेगा तो अभी फिर चलेगा सब कुछ। ओके, कहते हैं कि जब भी कोई स्टार बनता है, रातों रात स्टार बनता है, तो उसके पीछे बहुत सारी रातें गई होती हैं, तो आपने जो संघर्ष किया, आपने जो एक एक्सपीरियंस लिया, उससे सोनू निगम जी के करियर में उनको कितना आप सपोर्ट कर पाए? नहीं सपोर्ट तो मैं इतना ही कर पाया, बड़ी मतलब इसको कम भी समझो या बहुत ज़्यादा भी समझो, वो ये सपोर्ट कर पाया कि जो रास्ते मैंने, क्योंकि मैं शुरू से इस फील्ड में था, मैं शुरू से बॉम्बे में था, कई लोगों को लगता है कि सोनू निगम बन गए तो मैं भी बॉम्बे आ गया, कई मुझे बोलते आप भी बॉम्बे आ गए। अच्छा, मैं पहले आया था। हाँ तो मुझे, मैंने खाली इतना किया और शायद आप समझ जाएंगे कितना बड़ा काम था वो, कि मैंने जहाँ जहाँ हर्डल्स से कांटे थे, खड्डे थे, वो मैंने सोनू जी को बता दिया था जो गलतियाँ हो सकती थी जो मैंने देखी थी, जो मैंने खुद भी की थी, जो मैंने खुद भी की थी। जैसे मैंने किसी को मिला नहीं जाके, मैं कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के घर ही नहीं गया, ना ही किसी के म्यूजिक रूम में गया, क्योंकि अपना मतलब अच्छा नहीं है ये, लेकिन नेचर है तो है। मुझे लगता है कोई मुझे बाहर निकाल देगा तो मुझे बेइज्जती लगेगी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही सेल्फ रिस्पेक्टेड था, तो मैं गया ही नहीं। तो मैंने सबसे पहले सोनू जी को सलाह दी कि वो गलती मत करना कि कहीं जाना मत, सब जगह जाओ, सबसे मिलो। मैं नहीं मिलवाया, मैं ही लेके गया था, उषा खन्ना के बाद मैं लेके गया, अनु मलिक सब। तो अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उस अपने बेटे के लिए मैं गया कि एक होता जैसे कि मुझे भूख लगी है तो वो कहने में शर्म आती है, इसको भूख लगी है इतनी शर्म नहीं आती। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो वहाँ पर सोनू जी को मैंने सही, मतलब जो वो तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, उस बहुत सुलझा हुआ है लड़का है, तो लेकिन क्या कि जो मुझसे इनपुट हो सका वो मैंने उसको दिया कि भाई इनसे मिलो और इनसे यहाँ ना जाओ, और इस तरफ जाओगे तो कांटे वाटे हैं चुभ जाएंगे ये, और इधर जाओगे तो सिंपल आएगा, सिंपल हो जाएगा। ओके अगम जी, आपसे गानों की जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि आप बहुत सालों से गा रहे हैं और लाइव शोज़ में अपनी जगह बनाना, अपना नाम बनाना आसान काम नहीं होता है, मैं जानता हूँ, और वो भी उस दौरान जबकि पब्लिसिटी इतनी नहीं थी, सोशल मीडिया इतना नहीं था, उसके बावजूद आपने इतना नाम कमाया, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो मेरे साथ है अगम कुमार जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई, हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप अगर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फिल्मों में काम कर रहे हैं या आप लाइव शोज कर रहे हैं या आप कैसे भी कर रहे हैं, करना ज़रूरी है,
फिर उसको जिम्मेदारी की तरह, एक जॉब की तरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना जरूरी है। जिस तरह से उन्होंने कहा, जैसे कोई आदमी नौकरी पे जाता है, जॉब पे जाता है, वैसे मैं गाना गाने जाता था, मैं अपना काम करता था, लोगों से मिलता था, सबके साथ सही व्यवहार करता था, बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करना पड़ता है आर्टिस्ट हो तो भी। दूसरी बात यह है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हों, जो उनके बेटे बेटी हों, वो लाइफ में सक्सेसफुल हों और सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अपने अनुभव से ये बता देना कि ये गलती मैंने की है, ये तुम मत करना, यहाँ पर खड्डे हैं, कांटे हैं, तुम यहाँ पर मत जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेसफुल पाथ दिखाना होता है, बताना होता है। और ये बहुत ही अच्छे तरह से अगम जी ने किया, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं गाइडिंग फोर्स होते हैं, और उसी तरह से उन्होंने काम किया है, ना सिर्फ अपना नाम बनाया, अपना काम किया, बल्कि अपने बेटे के लिए भी एक सक्सेसफुल रास्ता बनाया। सबसे अच्छी बात जो अगम जी ने कही वो ये कही, ये बहुत कम कलाकार मानते हैं, और मैं इसके लिए उनको बहुत ही अच्छा मानूंगा, कि उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे मौका नहीं मिला, उन्होंने इस बात को बहुत दिल से माना कि वो कलाकार मुझसे ज़्यादा जानते थे, और ये एक बहुत बड़ी इंसानियत की बात है, इससे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, और इनका कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।